दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। डीडीएमए ने पिछले सप्ताह आदेश जारी करके शहर में यमुना नदी तट के अलावा अन्य जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति दी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक नोट जारी करके कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के लिए छठ पूजा महत्वपूर्ण पर्व है। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर 2021 को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। बता दें कि डीडीएमए ने बीते दिनों कोविड की स्थिति को देखते हुए नदी किनारों, तालाबों और मंदिरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध किया और रोक हटाने की मांग की थी। जिसके बाद दिल्ली सीएम ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर कहा कि राज्य में कोरोना अभी काबू में है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की परमिशन दे दी जाए। बता दें कि छठ के लिए हर वार्ड में करीबन 40,000 तक खर्च करने की व्यवस्था की गई है। एक वार्ड में अधिकतम 2 छठ घाटों को बनाया जाएगा और ये राशि नगर निगम खर्च करेगा। नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा छठ घाटों पर इस बजट के जरिए व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।